राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। जम्मू संभाग के राजौरी जिला के उपजिला नौशहरा के कलाल सेक्टर में हुए विस्फोट में बेगूसराय जिला के निवासी लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन के शहीद होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। वे इस घटना से काफी दुखी हैं। मुख्यमंत्री ने वीर सपूत की शहादत पर उनके परिवारजनों को दुख के इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट का राज्य सरकार की ओर से पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि आज देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती है। इस मौके पर पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और बिहार की राजधानी पटना में भी सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और सरदार पटेल को नमन किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से भी बातचीत की। बात को जयंती है उनकी और इनकी जो भूमिका है देश के निर्माण में, जो देश एकजुट हुआ है, इसको सब दिन के लिए लोग हमेशा इस बात को याद रखेंगे। और जो भी उनकी आजादी की लड़ाई में जो भूमिका है, वो हमेशा इन सब चीजों को नई पीढ़ी को जानने की बात है। और हम लोगों की इच्छा है पूरे तौर पर कि नई पीढ़ी पूरे तौर पर इनकी सारी भूमिका, आजादी और आजादी के बाद इस राष्ट्र के निर्माण में जो उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, उसको हमेशा याद रखें। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवे वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।